हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो सिग्निफिकेंट फिगर का जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विद एग्जांपल लेके हमने आपको उसको समझाया है। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था सिग्निफिकेंट फिगर का। तो आज जो है हम जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में क्या यूज है, हाउ सिग्निफिकेंट फिगर इज कैलकुलेटेड, जो फाइनल जो रिजल्ट जो होता है वो कितने एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हम लिख सकते हैं, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर मेजरमेंट अगर किया हमने किसी ऑब्जेक्ट का और उसका अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन अगर करते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फाइनल रिजल्ट में होना चाहिए, वो आज हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन फर्स्ट जो रूल्स है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है, अब अगर हमने एडिशन अगर की अरिथमेटिक अगर एडिशन अगर की, मानो अगर मास है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और उसके अगर हमने अरिथमेटिक एडिशन अगर की तो जो फाइनल जो रिजल्ट जो आएगा उसमें नंबर ऑफ क्या रहेंगे, डेसिमल प्लेसेस रहेंगे। ओके, वो 7, 5, 6, 7, 8 डिजिट तक हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे उसमें डेसिमल प्लेसेस होंगे तो ओके, तो कितना फाइनल रिजल्ट में कितना डेसिमल प्लेसेस तक हम फाइनल रिजल्ट एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिख सकते हैं, तो उसका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स कहा गया है, मींस इट रिजल्ट शुड बी कंटेन द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन अ गिवन डाटा। अगर डाटा में जितना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस नंबर है उतना ही लीस्ट डेसिमल प्लेसेस नंबर का क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट में आएगा। तो उसका अगर हमने एक एग्जांपल अगर देखा, मानो ये अपना मास जो है ऑब्जेक्ट का इतना है 437.52 ग्राम है, उसके बाद है 226.3 ग्राम है, और उसके बाद जो मेजरमेंट जो किया हुआ है वो है 0.30 ग्राम, कितना है 0.30 ग्राम। ओके, तो ऐसे मेजरमेंट के हमारे कैलकुलेशन रीडिंग है, और इसका अगर हमें टोटल मास निकालना है, इसके हमें एडिशन करना है। ओके, तो इसकी एडिशन क्या हो जाएगी, इसकी एडिशन आएगी यहां पे आएगा 2, उसके बाद यहां पे आएगा 1, उसके बाद यहां पे जो आएगा यहां पे डेसिमल पॉइंट आएगा, यहां पे डेसिमल पॉइंट आएगा, और उसके बाद यहां पे आएगा 4, उसके बाद यहां पे आएगा 6, और यहां पे आएगा 6, यानी 664.12 ग्राम, 664.12 ग्राम। तो ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अगर ज्यादा अगर डेसिमल प्लेसेस अगर होते तो यहाँ पे और डेसिमल नंबर यहाँ पे ऐड होते थे, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट में कितना डेसिमल प्लेसेस हमें रखना चाहिए, तो इट इज डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट इन द गिवन डाटा। गिवन डाटा में, ये गिवन डाटा है, उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस कितनी है, लिस्ट डेसिमल प्लेस यानी यहाँ पे 2 है, यानी जो यहाँ पे जो डेसिमल जो पॉइंट है यहाँ पे 2, इसके बाद है लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना है, सॉरी राइट हैंड साइड से काउंट करना है, राइट हैंड राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, कहाँ से सर, राइट टू लेफ्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट डेसिमल पॉइंट है 1, इस 1 प्लेसेस के बाद, और यहाँ पे भी 2 प्लेसेस के बाद, यानी लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे है, 1 प्लेस पे, कहां पे है, 1 डिजिट पे लिस्ट डेसिमल प्लेस है। ओके, तो 1 नंबर में जो रिजल्ट जो आएगा उसमें भी क्या होगा, 1 इसमें क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस होगा, यानी 664.1 ग्राम लिखेंगे हम,
हम 664.12 ग्राम नहीं लिखेंगे। अगर हमें रिजल्ट अगर इसका अगर फाइनल अगर रिजल्ट लिखना है वही तो सिग्निफिकेंट फिगर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तो वो कितना रिजल्ट लिखेंगे हम 664.1 ग्राम 664.1 ग्राम। जितना लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है वो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आने को होना। ओके तो ये सेम रूल जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है, सेम जो रूल है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल्स क्या कहता है, जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट अगर जिस जे नंबर को जितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही फाइनल रिजल्ट में होगा। मानो अगर ये जो मास जो है मास ऑफ द बॉडी दैट इज 53.75 किलो, कितना है मास ऑफ द बॉडी, कितना है 53.75 किलोग्राम, और उसका अगर हमें वेट अगर कैलकुलेट अगर करना है तो हमें 53.75 इंटू 9.80 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके तो इसका हमें कितना रिजल्ट आया जाएगा, दैट इज 526.75, कितना करीब करीब रिजल्ट आएगा 526.75 न्यूटन। ओके अब लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे फर्स्ट जो नंबर है हमारा, फर्स्ट मेजरिंग जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 53.75 इट हैज अ फोर सिग्निफिकेंट फिगर एंड 9.80 इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी रूल्स क्या कहता है, जितने गिवन डाटा में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही क्या आएगा फाइनल रिजल्ट में, क्या आएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगे इन्वॉल्व होगे, मींस फाइनल रिजल्ट एप्रोप्रिएट, फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस विथ द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एज अ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन डाटा, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन डाटा। यानी 9.80 पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ये जो नंबर जो रहेगा उसमें भी क्या रहेगा, उसमें भी क्या रहेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आप इसको 526.7 है तो इसको आप 527 लिख सकते हो या ओनली 526 लिख सकते हो। ओके 527 न्यूटन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 527 न्यूटन। ये इतना नहीं लिखेंगे हम 526.75, अगर जितना अगर हमने लिया लिखा तो प्रिसाइस मेजरमेंट विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से होता है, ये जो है ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से है, और फाइनल रिजल्ट में 526.75 है एंड गिवन मेजरमेंट जो हमने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से किया है और फाइनल रिजल्ट में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो गए, तो वहां से डिस्क्रिपेंसीज होगी, तो इसके वजह से कैलकुलेशन जो रहता है वो सिग्निफिकेंट के फिगर के साथ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट के फिगर के साथ कैसे लिखते हैं उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। और ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का। ओके अब डिवीजन का अगर हमने अगर देखा, मानो ये जो है प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है और प्रेशर कैलकुलेशन का हमें कितना दिया हुआ है 2.53 न्यूटन फोर्स है, 2.53 न्यूटन क्या है फोर्स है, प्रेशर कैलकुलेशन करने के लिए ये है 2.53 न्यूटन फोर्स है, और एरिया जो है वो है 4.1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 4.1 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमें प्रेशर कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, सो 2.53 अपॉन 4.1 ये करीब करीब आता है 0.617071173 ऐसा करीब करीब आता है। ओके तो 2.53 डिवाइडेड बाय 4.1
अब जो गिवन जो डाटा है वो गिवन डाटा में जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा में हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसका सिग्निफिकेंट 2.53 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, और 4.1 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है। यानी रूल्स क्या कहता है, जितने गिवन डाटा में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा उतना ही नंबर फाइनल रिजल्ट में आएगा। यानी इसका जो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर जो इन्वॉल्व हो गए यानी 0.617707 इतने लिखने की वजह है हम एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज 0.61 पास्कल। यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितना रहेगा गिवन ऑब्जर्वेशन में उतना ही लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा फाइनल रिजल्ट में भी आएगा। यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या आने को होना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने को होना 0.61 पास्कल। तो ये हमारा था सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स एडिशन और कैलकुलेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऑपरेशन के लिए अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो एक रूल्स लगता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दो एक रूल्स लगता है। ओके, अब हमें ये एक रूल पता है, मानो 237.56 ग्राम है, इसको अगर हमें राउंडिंग ऑफ अगर करना है तो ये एक रूल हमें पता है। कौन सा रूल, अगर नंबर अगर 5 से अगर ग्रेटर अगर होता है तो प्रीसीडिंग जो डिजिट है उसको हम रेज बाय 1 करते हैं, अगर नंबर अगर 5 से अगर लेस अगर है तो प्रीसीडिंग डिजिट हम रेज नहीं करते, इट इज ओनली द ड्रॉप। ओके, तो ये नंबर है 237.56 और दूसरा ये नंबर है 213.43, ये नंबर है। अब इसका जो नंबर है ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं उसको हम, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट 5 से क्या है ग्रेटर है तो इसको अगर हमें राउंडिंग ऑफ अगर करना है तो ये हम ऐसे राउंडिंग ऑफ करेंगे 238.6, कैसे करेंगे इसको आप 238.6, क्योंकि जो इनसिग्निफिकेंट जो डिजिट है लास्ट डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट हम 1 से क्या करते हैं रेज करते हैं, यानी पहले का डिजिट जो है वो 1 से रेज करते हैं। अगर ये 5 से क्या है लेस है, 5 से लेस है यानी इट इज सिंपली ड्रॉप, यानी 213.4, ये रूल हमें पता है अगर नंबर ग्रेटर देन 5 रहा और नंबर लेस देन 5 रहा। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर 5 है मानो 137.45 है, 137.45 है ग्राम, और उसके बाद 113.15 है, 113.15 है और 137.45 ग्राम है। अब दोनों ही नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, दोनों ही नंबर पे क्या है 5 है। ओके, तो अब हम एग्जैक्टली 5 ग्रेटर देन नंबर विच इज ग्रेटर और लेस देन 5 इसका रूल हमें पता है, लेकिन नंबर जो एग्जैक्ट अगर 5 अगर रहा तो उसका रूल्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट अगर है। मानो नंबर एग्जैक्ट 5 नंबर है और उसका अगर प्रीसीडिंग डिजिट यानी ये 4 ये अगर इवन नंबर अगर है, ये अगर इवन नंबर अगर है तो इसको हम फुल्ली क्या करेंगे ऐसे ही लिखेंगे 137.4 ग्राम। ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, अगर नंबर एग्जैक्ट 5 है और उसका प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर है 2 अगर होता 6 अगर होता तो हम क्या करते, जो नंबर जो है प्रीसीडिंग जो डिजिट है इट इज नॉट रेज बाय 1, ध्यान में रखना है इट इज नॉट रेज बाय 1 अगर प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन नंबर अगर है
वही अगर प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड नंबर अगर है, मानो यहां पे वन है, प्रीसीडिंग डिजिट कितना है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए अगर हमें ये रिजल्ट अगर राउंडिंग ऑफ अगर करना है तो ये रिजल्ट राउंडिंग ऑफ ऑफ कैसा होगा, 113.2 ग्राम, अरे इसको हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या आपको रूल समझ में आया है? अगर इवन नंबर अगर है और फाइव अगर है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट रेज बाय वन, अगर ऑड नंबर है और फाइव इनसिग्निफिकेंट डिजिट है तो प्रीसीडिंग जो डिजिट होगा इट इज रेज बाय वन, इट इज रेज बाय वन, यानी 113.2 ग्राम, 113.2 ग्राम। तो ये हम ऐसे राउंडिंग ऑफ क्या करते हैं, रिजल्ट राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो इसके बाद आप जो कैलकुलेशन जो करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो करेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एडिशन रहो, सब्ट्रैक्शन रहो, मल्टीप्लिकेशन रहो, डिवीजन रहो, या राउंडिंग ऑफ अगर आपको करना है तो यही रूल आप क्या करोगे, फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सिंपल सिंपल जो ट्रिक्स है वो आपको देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको समझाते हैं, यानी आपका क्या हो, इजीली अंडरस्टैंड हो, एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स, ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।